अल्लाक स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आई एम सईद काम नदीम आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास नाइन्थ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फ़न फैक्ट्स अबाउट चैप्टर नंबर थ्री बायो डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आज मैं ऐसे फन फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी जो कि चैप्टर नंबर थ्री से रिलेटेड हैं चैप्टर नंबर थ्री जो कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में है हमने ये पढ़ा कि डायवर्सिटी क्या होती है तो डायवर्सिटी हमने बोली कि ऐसी ब्रांच है तो डाइवर्सिटी को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं डायवर्सिटी होती है किसी भी स्पीशीज़ के अंदर या डिफरेंट स्पीशीज़ में पाई जाने वाले वराइटी यानी हम ये देखते हैं कि एक ही स्पीशीज में और मुख्तलिफ स्पीशीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स पाई जाती हैं यानी वैरायटी पाई जाती है तो इसको हम कहते हैं डायवर्सिटी फिर हमने ये देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है तो हमने ये डिस्कस किया कि बायोडाइवर्सिटी डिफ़रेंट एकोसस्टम्स में पाई जाने वाली डिफरेंट स्पीश होती हैं ऑर्गेनिज़म्स की इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करनी है कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों के चैप्टर के साइड बॉक्सेस में दी गई है या फिर आप लोगों को डिफरेंट जो वैल्यूज़ या परसेंटेज बताई गई हैं वो भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है याद रखना क्योंकि ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अन्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और आपसे पूछी जा सकती है किसी भी सूरत में यानी शॉर्ट क्वेश्चंस या एम की सूरत में इसलिए ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने रखनी है याद और इसको आप लोगों ने आगे भी पहुंचाना है मतलब जब भी आप किसी गैदरिंग में जाएं तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को या फिर जिससे भी आपकी बात हो आप ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ताकि जो नॉलेज आप लोगों के पास है वो नॉलेज बाकी लोगों तक भी पहुँचे हमने स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा और स्पीशीज़ के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये ऐसे ऑर्गेनिज़म्स का ग्रुप होता है जो के आपस में इंटरब्रीड कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन साइड बॉक्स में पढ़ी कि स्पीशीज इंटरब्रीड तो कर सकती हैं लेकिन हम स्पीशीज़ को डिफाइन करने के लिए एक क्राइटेरिया जो के काउंट नहीं कर सकते तो वो क्या है वो है ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन का यानी हम ऐसे ए सेक्जुअल ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ए सेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उन पर हम इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकते क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्पीशीज़ की डेफिनेशन में इंटरब्रीडिंग का लफ्स आया था और हमने कहा था कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि इंटरब्रीट कर सकते हैं वो ही स्पीशीज़ कहलाते हैं यानी वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स विच कैन इंटरब्रीट लेकिन हमने ये भी साथ पढ़ा था कि ये इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई नहीं हो सकता जो कि ए सक्चुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है जिसके अंदर इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है साथ ही साथ हमने एक और बहुत ही मज़े की चीज़ पढ़ी जो कि थी म्यूल के बारे में और म्यूल अगर आप लोग को याद हो तो ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसको के हमने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया था यानी आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग के थ्रू ये प्रोड्यूस हुआ था मतलब इसका ये हुआ कि हमने इसकी आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग कराई थी किसके दरम्यान मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के दरमियान और जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ था वो था इनफर्टाइल क्योंकि हमने देखा था कि जब भी हम आर्टिफिशियल मीन से किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कराएं तो वो इनफर्टाइल नेचर होता है मतलब क्योंकि हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करा रहे हैं तो इस ऑफ स्प्रिंग में ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो रिप्रोड्यूस फ़र्दर कर सके या अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सके इसी तरह हमने एक साइंटिस्ट कैरलस लीनियस के बारे में भी स्टडी किया हमने देखा ये इंतहाई मशहूर साइंटिस्ट था जो के क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करके गया और ना सिर्फ बायनोमल नोमिनचर सिस्टम जो था यानी ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स देने का सिस्टम केयरलेस लीनियस ने इंट्रोड्यूस कराया बल्कि हम देखते हैं इसने थ्री किंगडम्स में भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया ये भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साइड बॉक्स में दी गई है हम देखते हैं ये तीन किंगडम जो कैरल लीनियस ने इंट्रोड्यूस कराए इनमें से तीनों का नाम क्या क्या था वो हम देखते हैं एक का नाम था मिनरल्स एक का वेजिटेबल और एक का एनिमल्स ये तीनों किंगडम्स इंट्रोड्यूस कराए थे कैरोलस लीनियस ने इसी तरह हमने बात की यूक्लिप्टस के बारे में यूक्लिप्टस की इंफॉर्मेशन भी आप लोग के साथ इसी चैप्टर में शेयर की गई है यूक्लिप्टस ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में इंपोर्ट किए गए लेकिन हम देखते हैं यूक्लिप्टस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पाकिस्तान की ज़मीन के लिए नुकसानदेह साबित हुए और वो क्यों यूक्लिप्टस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब करते हैं ज़मीन से और ये यूक्लिप्टस प्लांट्स जहाँ भी लगाए गए वहाँ की ज़मीन में पानी की कमी हो गई और जब ये वाटर लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया क्योंकि इस पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे थे यूक्लिप्टस प्लांट्स तो वो प्लान्ट जो कि बाकी एरिया में मौजूद थे यानी यूक्लिप्टस के इर्द गिर्द मौजूद थे आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलेशन में कमी वाक़ होने लगी इसलिए हमें बाद में पता ये चला कि असल में ये जो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन ऑफ अदर स्मॉल प्लांट्स जो कि यूक्लिप्टस के, के इर्द गिर्द मौजूद थे उनकी पॉपुलेशन में कमी क्यों वाक़ हो रही है तो पता ये चला कि यूक्लिप्टस प्लांट्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि ये इंतहाई ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से और सारा का सारा पानी ये पी जाते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से बाकी प्लांट्स जो कि इस प्लांट के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेथ होने लगती है और उनकी पॉपुलेशन में कमी वाक़ होने लगती है या फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट्स मुरझाने लगते हैं और ये मज़ीद फ्रेश नहीं नज़र आते और अपनी फोटोसिंथेसिस पे परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लांट्स हम पानी की कमी की वजह से हमें पता है कि जब भी फोटोसिंथेसिस का अमल होना है तो कार्बन डाइऑक्साइड ने कंबाइन करना है वाटर के साथ और जब पानी ही मौजूद नहीं होगा प्लांट्स में तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन कर सकती है नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन नहीं करते और ग्लूकोज नहीं बना सकते जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इन प्लांट्स में फूड की कमी हो जाती है यानी ग्लूकोज की कमी हो जाती है और इनमें फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये विल्ट हो जाएंगे यानी कि मुरझा जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनकी डेथ होने लगेगी इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि अब मज़ीद ऑस्ट्रेलिया से हम प्लांट्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे और मज़ीद ग्रोथ या मज़ीद यहाँ पर हम यूक्लिप्टस प्लांट्स को नहीं उगाएंगे इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है सी स्टार का जिसे हम स्टार फिश भी कहते हैं हमने एक और इन्फॉर्मेशन जो इस चैप्टर में देखी वो ये थी कि सी स्टार्स ऐसे स्टार फिश ऐसे एनिमल्स हैं जो के मसल्स को खाते हैं मसल्स ऐसे एनिमल्स हैं कि जब सी स्टार की पॉपुलेशन मौजूद होती है तो मसल्स की पॉपुलेशन एक इक्विलिब्रियम में रहती है या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि स्टेबल रहती है लेकिन जैसे जैसे अगर हम किसी भी ओशन से या फिर कहीं से भी सी स्टार की पॉपुलेशन को कम कर दें यानी हम पानी से सी स्टार या स्टार फिश को निकाल दें रिमूव कर दें उस जगह से उनकी हैबिटेट से तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा स्टार फिश की पॉपुलेशन जब हमने ख़त्म कर दी तो फिर मसल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और जब मसल्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ पर मौजूद छोटे एनिमल्स के लिए खतरनाक साबित होगी क्योंकि अब मसल्स की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को जाहिर सी बात है खुराक भी चाहिए और वो फीड करेगी अपने से छोटे एनिमल्स पर और इस तरह मसल्स की पॉपुलेशन साबित होगी अपने से छोटे एनिमल्स के लिए और आहिस्ता आहिस्ता इस पानी में मौजूद बाकी जो छोटे एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का इकोसिस्टम, यानी यानि ओशन का जो इकोसिस्टम होगा वो बुरी तरह ख़राब हो गया या डैमेज हो जाएगा यानि अब वो मज़ीद स्टेबल नहीं रहा और जब ये इकोसिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी पॉपुलेशंस ऊपर नीचे हो जाएंगी इसका मतलब ये हुआ जैसे हमने ये पढ़ा था कि किसी भी स्पीशीज़ के रिमूवल से या फिर किसी भी स्पीशीज़ के इंट्रोडक्शन से दूसरी स्पीशीज की एक्सटिंक्शन के कॉज होता है यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जब स्पीशीज ऐड हो रही है किसी इकोसिस्टम में या फिर उस इकोसिस्टम से रिमूव हो रही है तो वहाँ पर मौजूद बाकी स्पीशीज क्या हो जाएंगी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी इसीलिए हमने यहाँ पर एक बहुत ही मज़े की इन्फॉर्मेशन देखी थी और वो क्या थी कि किसी भी इकोसिस्टम में जो स्पीशीज इंट्रोडक्शन है वो थर्टी नाइन परसेंट किसी और स्पीशीज़ के लिए नुकसानदेह या एक्सटिंक्शन का कॉज बनता है इसी तरह हमने एक इन्फॉर्मेशन ये भी पढ़ी थी हमने डिफरेंट परसेंटेजेस देखी थी कि कॉजेस क्या हैं स्पीशीज एक्सटिंक्शन के आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट डाउन काजेज़ ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन और साथ साथ उनकी परसेंटेज बताएं तो वो हमने क्या पढ़ी थी हमने पढ़ा था कि अगर हंटिंग को हम देखें तो 23 परसेंट हंटिंग जो है वो स्पीशीज एक्सटिंक्शन का कॉज बनती है इसी तरह स्पीशीज इंट्रोडक्शन 39 परसेंट स्पीशियस एक्सटेंक्शन का कॉज बनती है और एक और जो हमने लफ्ज़ पढ़ा था वो था हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जिसका मतलब ये था कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं या डैमेज करते हैं और हैबिटेड डिस्ट्रक्शन 36% परसेंट जो है वो दूसरी स्पीशीज़ के डेथ का या एक्सटिंक्शन का कॉज बनती है और बाकी काज जैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह ये तकरीबन टू थी हम देखते हैं कि यहाँ पर यानी इस चैप्टर में आपसे और भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस की गई और वो क्या थी वो ये थी कि तकरीबन वन मिनट इंडिविजुअल्स की एडिशन हो रही है यानी एक मिनट में वन एटी इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं पॉपुलेशन में लेकिन अगर हम एक दिन में बात करें तो तकरीबन टू लैख सिक्सटी थाउजेंड इंडिविजुअल्स का इजाफा हो रहा है हमारी पॉपुलेशन में तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन एक दिन में कितनी बढ़ रही है टू लैक सिक्सटी थाउजेंड और एक मिनट में वन एटी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बींग्स की बढ़ती हुई पॉपुलेशन किस चीज़ का बाइस है हर ऐसी चीज़ जो कि दूसरी एकोसिस्टम में मौजूद स्पीशीज़ है, उनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन साथ साथ उन स्पीशीज़ को आहिस्ता आहिस्ता इंडेंजरमेंट की तरफ लेकर जा रही है और इन स्पीशीज़ की एक्सटेंशन का भी बायस है मतलब जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोल्यूशन भी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरे जो स्पीशीज़ हैं उनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होगी और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा वक्त आ जाएगा कि ये स्पीशीज़ बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगी दुनिया से फिर हमने बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ देखी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और इंडेंजर्ड है इनमें से यहाँ पर आपके चैप्टर में कुछ स्पीशीज़ के नाम भी दिए गए हैं जो कि एक्सटिंक्ट हैं और इंडेंजर्ड है हमने देखा कि मार्कोपोलो शीप एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है इसी तरह इंडस डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो तकरीबन अब इंडस रिवर में सिर्फ और सिर्फ 600 स्पीशीज़ इंडस डॉल्फिन की बच गई हैं इसी तरह मार्कोपोलो शीप की भी बहुत ही कम स्पीशीज जो हैं वो टू डैकेट्स में अगर हम देखें तो वो बहुत ही कम रह गई हैं और इनकी वजह क्या है हंटिंग या फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या पोल्यूशन इन सब चीज़ों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि मार्कोपोलो शीप हो इंडस डॉल्फिन हो ब्राउन बियर हो या फिर हम देखें लाइन टाइगर चीता ये सब के सब आहिस्ता आहिस्ता इंडेंजर्ड हो रहे हैं फिर हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन पढ़ी थी जो कि थी रेड लिस्ट के बारे में और रेड लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि आई और डब्लू डब्ल्यू ने मिलकर एक लिस्ट बनाई जो कि थी ऐसे लिस्ट जो कि मुश्तमिल थी इंडेंजर्ड स्पीशीज पर और फिर हमने ये भी देखा कि यू सबमिट के अंदर सबसे ज़्यादा जो जिस टॉपिक पे बात की जाती है वो है बायोडायवर्सिटी का लॉस और हमने यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी कि सबसे बड़ा कॉज क्या है स्पीशीज एक्सटेंशन का या बायोडायवर्सिटी के लॉस का तो वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन बीइंग्स ना तो अपनी हैबिटेट का ख्याल करते हैं और ना ही दूसरी स्पीशीज़ की हैबिटेट का ख्याल करते हैं और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का बायस बनते हैं साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन करते हैं यानी कि दरख्त काटते हैं और अपने फ़ायदे के लिए अपने घर बनाने के लिए और साथ साथ अपनी हीटिंग अपनी कुकिंग पर्पस के लिए अपनी अर्बनाइजेशन के लिए और अपनी एग्रीकल्चर के लिए ये आहिस्ता आहस्ता दरख्त काट रहे हैं जिसकी वजह से वो एनिमल्स वो ऑर्गेनिज़म्स जो के जंगलात में मौजूद होते हैं उनकी रहने की जगह डिस्ट्रक्ट हो जाती है हमने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ी कि तकरीबन कितने लोग हैं जो कि हीटिंग और कुकिंग पर्पस के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं तो हमने ये देखा कि तकरीबन थ्री बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कुकिंग और हीटिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं यानी दरख्त काटते हैं या किसी ना किसी तरह वो लकड़ी जो है वो या किसी भी तरह वो डीफारेस्टेशन का बायस बनते हैं इसी तरह 48 परसेंट जो है वो हम अपने डीफॉरेस्टेशन को इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए अपनी एग्रीकल्चर के लिए इस तरह हमें ये पता चलता है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए दूसरे स्पीशीज के हैबिटेट को ख़त्म कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है और अपने फ़ायदे के लिए अपने घर बनाने के लिए स्कूल्स कॉलेजेस और अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रलाइजेशन के लिए आहिस्ता ऐसा डीफॉरस्टेशन का बायस बन रहा है लेकिन डीफॉरस्टेशन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स की वजह से नहीं हो रही बल्कि हम ये देखते हैं कि ये अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुदरती आफात हैं जिनकी वजह से भी दरख्त जो है वो गिर जाते हैं जैसे कि आंधी तूफ़ान आया या फिर सैलाब आ गए तो वो अपने साथ जो है वो दरख्तों को बहा कर ले जाते हैं फिर हमने ये भी पढ़ा कि तकरीबन वन परसेंट जो है वो हर साल आहिस्ता आहिस्ता के पी के में डीफॉरस्टेशन हो रही है यानी दरख्तों की कमी वाक़ हो रही है और इसी तरह अगर हम देखें कि पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौन सा है तो हम देखते हैं कि चकोर पेट्रिज जो है ये पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है और अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर है लेकिन मारखोर की स्पीशीज में भी कमी वाक़ हो रही है और हमें चाहिए कि आहिस्ता आहस्ता हम ऐसे ज़रा पैदा करें जो बजाय इन स्पीशीज़ की कमी के इनकी पॉपुलेशन में इजाफे का बायस बने और हम इस बायोडाइवर्सिटी को लॉस की तरफ बचाएं और या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को लॉस से बचाएं और इसको कंजर्वेशन की तरफ़ लेके आएं यानी हम वो स्टेप्स अपनाएं जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को महफूज करें तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही मज़े की लगी होगी और ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग की बुक से है इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है और याद क्यों रखना है क्योंकि एक तो आप ये नॉलेज आगे दूसरे लोग तक भी पहुंचा सकते हैं और साथ साथ इससे फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम में भी अगर आपको यहाँ से कोई भी एम पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन याद हो और आप लोगों को अपना पेपर करने में बहुत ही आसानी हो किसी किस्म की भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखी जो कि आप लोग के चैप्टर नंबर थ्री से रिलेटेड है हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी थी और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी साबित हुई होगी वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की आप लोग को बताया कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्या क्या फन फैक्ट्स हैं मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थी वो सबके सब आप लोगों के पास होनी चाहिए और जब भी आपसे कोई भी बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछे तो आपके पास ऐसी नॉलेज हो जो कि आप दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें और लोगों को पता चल सके कि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के पास ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए जो कि जब भी वो किसी अपने दोस्तों में अपने रिलेटिव्स में या किसी भी गैदरिंग में बैठे तो लोग उससे बात करते हुए बहुत ज़्यादा लुफ्त हों और लोगों को आपसे ऐसी इन्फॉमेसन मिले जो उनके लिए भी बिल्कुल नई हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़